जो कि ग्वालियर से मिल रही है। कांग्रेस विधायक ने ठेकेदार को धमकी दी है। विधायक लाखन ने दी है ठेकेदार अंकित धाकड़ को धमकी। सरकारी जमीन पर पानी की टंकी बनाने को लेकर धमकी दी है। विधायक ने सरकारी भूमि को बताया अपने कार्यकर्ता की जमीन। विधायक लाखन ने ग्वालियर कलेक्टर को भी अपशब्द कहे। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। ग्राम पंचायत खैरवैया में पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। गांव की जनता के लिए टंकी बनवाने काम को प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस विधायक हैं लाखन सिंह, जिन्होंने ठेकेदार अंकित धाकड़ को धमकी दी है। सरकारी जमीन पर पानी की टंकी बनाने को लेकर धमकी दी है विधायक लाखन सिंह ने। और आपको बता दें, कांग्रेस विधायक ने ठेकेदार अंकित धाकड़ को धमकी दी है सरकारी ज़मीन पर पानी की टंकी बनाने पर धमकी दी गई है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं अंकित धाकड़ बात कर रहा हूँ। अंकित जी, तू वहाँ जो वहाँ में वो टंकी जो बना रहा है उसको वहाँ मत बना है। तो वो विभाग ने कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था उसका। तो कलेक्टर कोई प्राइवेट जगह में थोड़ी करवा देगा, उसके बाद प्राइवेट नहीं है, सरकारी जगह है वो। कोई जगह नहीं है बामत बनाना, मैं तेरे से कह रहा हूँ। वो मेरे कार्यकर्ता की जगह है, और कलेक्टर से बोल देना मैंने मना किया है। नहीं तो आप बोल दो, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तेरे से बोल रहा हूँ। बामत बनाना उसको जो है। और तू मेरे लड़कों पे तू हेंट रहा था। कौन से लड़कों पे है? कौन से लड़कों पे हेंट रहा था? वो जो जिनसे अभी तू बात कर रहा था, वो मनीष झा से। क्या हेंट रहा था, क्या बोला था मैंने? तू यार, तेरे को ठेकेदारी से कहा दूंगा, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कुछ कहता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तू जाके वो करेगा। बेवकूफों जैसी मैं कुछ कहता नहीं। जितने भी लड़के तुम लोग काम कर रहे, मैंने आज तक तुमको कभी छेड़ा मेरी विधानसभा में? उसको मना कर देना, वहां मत बनाना तू। हाँ ठीक है, तमाम सारी जगह वहां बना ले। वो सरपंच का उनका आपस का विवाद है, वो सरपंच हमारे खिलाफ है, एंटी पार्टी का है वो हमारा। नहीं तो उसमें कलेक्टर साहब का आदेश था, तो इसलिए बनवा दी वहां पे। वो बोल कलेक्टर को, विधायक नहीं चाहता, फिर कलेक्टर मुझसे बात करे, उसको अटक रही है। तो ठीक है, वहां काम मत लगाना कल से। ठीक है। चलिए ग्वालियर का रुख करते हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कुछ ही दिन पहले की बात है जब इंडिया न्यूज पर आप जानकारी दे रहे थे और ये बता रहे थे कि लाखन सिंह यादव का वो जो एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है। लाखन सिंह यादव पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, क्या ये परिपाटी बन गई है कि हर हफ्ते या दो हफ्ते बाद हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे? जी, कहना बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि लाखन सिंह पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं। हाँ। लेकिन लाखन सिंह की जो भाषा है वो लगातार गुंडागर्दी वाली भाषा रही है। हाँ। और अहम बात यह है कि इनके समर्थक भी कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करने से नहीं चूकते हैं। हाँ। इससे पहले भी इनके समर्थक हैं, उन्होंने गजेंद्र यादव, उन्होंने जो है ग्राम बनवार में पार में यहाँ पर एक पीड़ित को मारपीट की थी, उसको खेती करने से रोक दिया गया, रोका था, और फरसा लेकर उनके ऊपर दौड़े थे। अब इसके पहले मुरैना में जो है लाखन सिंह ने अपने हालांकि उनका ये कहना है कि मैंने अपने कार्यकर्ता को समझाया था, लेकिन मंच से ही उन्होंने गुंडागर्दी वाली भाषा का उपयोग किया था। वहीं अब नया ऑडियो उनका सामने आया है जिसमें कि वे ठेकेदार को, जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक पानी टंकी का निर्माण कर रहा है, वो भी सरकारी जमीन है जिसको शासन ने जल जीवन मिशन के तहत उनको दी है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल का बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे गांव वालों को खासी जो है सुविधा मिलेगी। हाँ। और हर घर नल जल उन तक पहुंच पाएगा, नल जल की योजना है जिससे ग्रामीणों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, सुविधा मिलेगी। लेकिन इसमें आड़े आए हैं लाखन सिंह, जो कि विधायक है, दबंग विधायक माने जाते हैं, और इनके समर्थक भी तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर गुंडागर्दी से करने से बाज नहीं आते हैं। अब चूंकि इन्होंने कलेक्टर को भी यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उनका साफ तौर पर इस ऑडियो में कहना है कि
कलेक्टर के बाप की जमीन नहीं है, ये एक बड़ा जो है मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सरकार का काम करते हैं, पार्टी चाहे किसी की भी हो, वो सरकार के लिए और खास तौर पे जो जनता है उसके लिए काम करते हैं, लेकिन इस तरह का जो भाषा है वो कहीं ना कहीं गुंडई को, दबंगई को इनकी जो है परिचित करती है। लेकिन अहम बात यह है कि इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हालांकि जी। और इसके अलावा भी मैं बता दूं, कोई भी अधिकारी इसमें बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला कांग्रेस विधायक का है जो कि दबंग विधायक माने जाते हैं अपने एरिया के, और कहीं ना कहीं जो इनकी जो गुंडाई है वो लगातार इनकी और इनके समर्थकों की जो भावना। मैं आपके पास लौटूंगा संजय, लेकिन इस समय जो दर्शक हमारे इस खबर को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो हम वायरल ऑडियो आपको सुनवाते हैं जिस पर ये चर्चा हो रही है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं, हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं अंकित दागड़ बात कर रहा हूँ। अंकित, ये तू जो में वो टंकी जो बना रहा है उसको भामत बना है? तो वो विभाग ने कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था उसका, तो कलेक्टर कोई प्राइवेट जगह में थोड़ी करवा देगा उसके बाद? प्राइवेट नहीं है, सरकारी जगह है वो। कोई जगह नहीं है बामत बनाना, मैं तेरे से कह रहा हूँ। वो मेरे कार्यकर्ता की जगह है, वो कलेक्टर से बोल देना मैंने मना किया है। नहीं तो आप बोल दो, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तेरे से बोल रहा हूँ। बामत बनाना उसको जो है। और तू मेरे लड़कों पे तू हेट रहा था। कौन से लड़कों पे है? कौन से लड़कों पे हेट रहा था? वो जो जिनसे अभी तू बात कर रहा था, वो मनीष झा से। क्या हेट रहा था, क्या बोला था मैंने? तेरे को ठेकेदारी से कहा दूंगा, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कुछ कहता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तू जाके वो करेगा। अरे बेवकूफ हो जैसी, मैं कुछ कहता नहीं। जितने भी लड़के तुम लोग काम कर रहे हैं, मैंने आज तक तुमको कभी छेड़ा मेरी विधानसभा में? उसको मना कर देना, बामत बनाना तू। हाँ ठीक है, तमाम सारी जगह बना ले। वो सरपंच का उनका आपस का विवाद है, वो सरपंच हमारे खिलाफ है, एंटी पार्टी का है वो हमारा। नहीं तो उसमें कलेक्टर साहब का आदेश था, तो इसलिए बनवा दिया। वो बोल कलेक्टर को विधायक नहीं चाहता, फिर कलेक्टर मुझसे बात करे, उसको अटक रही है तो। ठीक है, बा काम मत लगाना कल से। ठीक है, तो ये वीडियो हमने आपको दोबारा से इसीलिए सुनवा दिया ताकि आप भी समझ सकें कि विधायक को किस भाषा में कैसे बात करना चाहिए और कैसे वो बात कर रहे हैं। संजय का रुख करते हैं, लगातार हमारे साथ संजय बने हुए हैं। देखिए संजय, लाखन सिंह यादव का जिक्र आप भी कर रहे थे, बता रहे थे, और हमने तो कमलनाथ सरकार में भी उनके बयान सुने हैं, किस तरह के उनके बयान सामने आते थे, हालांकि तब वो पशुपालन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में विधायक हैं, इस तरह के बयान देना मंच पर जाकर, किसी स्थानीय ने मान लीजिए कुछ बात नहीं सुनी तो उससे भी अनर्गल भाषा में बात करना, कौन होता है रे तू, तेरे को देख लूँ, मतलब इस तरह की तू तड़ाक वाली बातें एक जनप्रतिनिधि को क्या शोभा देती है? जनप्रतिनिधि को क्या ऐसी बात करना चाहिए? बिल्कुल विवेक, जब चुनाव नजदीक हो तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की भाषा बिल्कुल संयमित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लाखन सिंह जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो उनकी भाषा अमूमन यही रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद इनकी भाषा में अभी तक कोई भी सुधार नहीं आया है, और साफ तौर पर तू तड़ाक की भाषा केवल अपने कार्यकर्ता से ही नहीं, हर किसी से इस तरह की रहती है। और तमाम सारे अधिकारियों की भी इससे पहले तमाम सारे ऐसे बयान आए हैं जिसमें कि लाखन सिंह ने अधिकारियों को भी इसके भी तू तड़ाक की है, तो कहीं ना कहीं उनको उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। अब जनप्रतिनिधि है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजा बन गए, और राजा के नाते आप किसी को भी अनर्गल प्रलाप कर सकते हैं, अनर्गल तरीके से बात कर सकते हैं। अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें संजय, तो उस क्षेत्र के बहुत कद्दावर नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी काफी साफगोई से अपनी बात रखते हैं, लेकिन कभी ऐसी बात उन्होंने नहीं रखी जिसे बताना, जिसे समझाना एक पत्रकार के लिए या फिर लोगों को भी समझने में और उसको स्वीकार करने में थोड़ा सा कष्ट हो, क्योंकि ऐसा नहीं है। गोविंद सिंह भी बहुत साफगोई से अपनी बात रखते हैं, लाखन सिंह चाहें तो उनसे सीख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।
बिल्कुल, गोविंद सिंह के अलावा तमाम सारे स्थानीय नेता हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, चाहे कांग्रेस के सुरेश राजे की बात कर लें, चाहे इमरती देवी की बात कर लें, बिल्कुल, और तमाम सारे नेता हैं जो कि हाँ टू तड़ाक नहीं करते, हालांकि हाँ पूरी तरह इमरती देवी तो बिल्कुल खाटी जो है ग्रामीण अंचल से आती है, हाँ लेकिन बावजूद इसके इस तरह की भाषा का उपयोग हाँ कभी उन्होंने नहीं किया है। नहीं किया। सुरेश राजे है, गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह इतने बड़े नेता बन गए, 7 बार के विधायक है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने इस तरह का जो है इस तरह की असम्मान वाली भाषा है जी वो कभी यूज नहीं करी है। हाँ। अब देखना ये होगा कि जनता इसको अगले आगामी चुनाव में किस तरीके से लेती है, क्योंकि लगातार लाखन सिंह विवादों में घिरते रहे हैं और इस बार इस एक महीने में तीसरा विवाद है उनके खिलाफ, जो कि लगातार इस तरह के विवाद अब जनता कैसे लेगी ये हाँ देखने के वाली बात होगी। और जनता से पहले कमलनाथ क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तक भी ये खबरें जा ही रही होंगी गाहे बगाहे। अगर कमलनाथ की हम बात करें तो उन्होंने भी अपने विधायकों को नसीहत दी थी और ये कहा था कि अति बिल्कुल उत्साह में मत आइए, ऐसा शब्द मत बोल दीजिए कि हमें जाकर उसको फिर बाकायदा डैमेज कंट्रोल करना पड़े, ऐसा कुछ मत बोल दीजिए। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल से ही कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी, हाँ तो कांग्रेस का भी और भाजपा का भी, दोनों पार्टियों का फोकस यहां पर पूरे ग्वालियर अंचल पर है, लेकिन लाखन सिंह जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी को भी परेशानी हो सकती है, उनको परेशानी हो सकती है। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह भी है कि राहुल भैया जो कि अर्जुन सिंह के लड़के हैं वो यहाँ पर लगातार डेरा डाले हुए हैं, प्रभारी ग्वालियर के महेंद्र सिंह चौहान वो लगातार डेरा डाले हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं की लगातार आमद यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इसके जो लाखन सिंह की भाषा है या तमाम सारे कांग्रेस नेताओं की भाषा है। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो ऑडियो के आधार पर पीसीसी चीफ क्या कुछ निर्णय लेते हैं। आपका धन्यवाद संजय विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बात करते ग्वालियर की।